आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। मार्ग पर हादसा, दिल्ली के पर्यटकों से भरा टेम्पो ट्रैवलर पलटा, कई गंभीर घायल। हादसा नैनीताल मार्ग पर कालाडूंगी से 4 किलोमीटर आगे हुआ। हादसे में 16 पर्यटक घायल हुए हैं। नैनीताल में रविवार को दिल्ली के पर्यटकों से भरा एक टेम्पो ट्रैवलर हादसे का शिकार हो गया। नैनीताल कालाडूंगी मोटर मार्ग पर टेम्पो ट्रैवलर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गए। घास काटने गई महिला की करंट लगने से मौत, परिवार में छाया मातम। रामनगर में एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों में मातम छाया हुआ है। बताया जा रहा है कि महिला घास काटने गई थी, तभी वो घटना का शिकार हो गई। पहाड़ों में मौसम ने बदली करवट, यमुनोत्री धाम समेत ऊंचाई वाले इलाकों में हुई झमाझम बारिश। आज उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और टिहरी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली। यमुनोत्री धाम सहित आसपास के खरशाली गांव, जानकी चट्टी, नारायणपुरी, फूलचट्टी क्षेत्र में तेज बारिश शुरू हो गई। वहीं बड़कोट तहसील क्षेत्र में आंधी तूफान चला। डोईवाला में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन होटल का गेट गिरा, 2 बच्चे दबे, 1 की मौत। सामाजिक संगठनों ने हाई कोर्ट को श्रीनगर गढ़वाल शिफ्ट करने की उठाई मांग, पलायन रोकने का दिया तर्क। श्रीनगर के सामाजिक संगठनों ने नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामले में अपनी आवाज बुलंद करते हुए हाईकोर्ट को पर्वतीय जिलों में शिफ्ट करने की मांग उठाई है। साथ ही पौड़ी से पलायन रोकने का तर्क भी दिया है। नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे के बल पर सर्राफा व्यापारी को लूटा, पड़ताल में जुटी पुलिस। लक्सर में नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे के बल पर एक दुकानदार से लाखों की लूट कर ली। पीड़ित ने घटना की शिकायत पुलिस से की है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। छात्रों को बेल्ट से पीटने का वीडियो वायरल, दोनों पक्ष ने दर्ज कराई क्रॉस FIR। देहरादून में छात्रों को बेल्ट से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। पूरा मामला 2 छात्र गुटों के बीच का है। दोनों ही गुटों ने एक दूसरे पर मारपीट करने की शिकायत पुलिस से की है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जेल से छूटते ही फिर सक्रिय हुई महिला तस्कर, 78 लाख की स्नैक के साथ गिरफ्तार। NGT की सख्ती के बाद रिस्पन्ना नदी पर फ्लड सर्वे का काम शुरू, अतिक्रमण हटाने के लिए चलेगा अभियान। देहरादून में रिस्पन्ना नदी को स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए समय समय पर आवाज उठती रही है। वहीं NGT की सख्ती के बाद रिस्पन्ना नदी के फ्लड सर्वे का काम शुरू हो गया है। साथ ही नदी के दोनों ओर पर अतिक्रमण मुक्त के लिए अभियान चलाया जाएगा। केदारनाथ धाम पहुंचे DGP अभिनव कुमार, सुरक्षा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड ने बनाया अपना 90वां जन्मदिन, प्रशंसकों ने दी शुभकामनाएं। मसूरी में विश्व विख्यात लेखक रस्किन बॉन्ड ने अपना 90वां जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर रस्किन बॉन्ड के प्रशंसक उनके साथ रहे और उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगी। कल खुलेंगे बाबा मद्महेश्वर के कपाट, गौडाह में डोली का भव्य स्वागत। रुद्रप्रयाग में कल महामद्महेश्वर मंदिर के कपाट विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। डोली का यात्रा पड़ाव पर श्रद्धालु भव्य स्वागत कर रहे हैं, वहीं यात्रा पड़ावों में रौनक लौटने लगी है। हल्द्वानी में चोरों ने किराने की दुकान में के चटकाए ताले, हजारों की नकदी और सामान पर किया हाथ साफ। हल्द्वानी के बागजाला वन भूमि अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर, 300 से ज्यादा घरों को नोटिस जारी। हल्द्वानी के वन भूलपुरा के बाद अब बागजाला में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है। वन विभाग और प्रशासन ने 300 से ज्यादा घरों को नोटिस जारी किया है। उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कोई ठोस तथ्य न मिलने पर बुलडोजर चलाया जाएगा। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, आज प्रातःकालीन आरती तक इतने श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं अगर आज की बात की जाए तो गंगोत्री धाम में प्रातःकालीन आरती के समय तक 2000 से अधिक और यमुनोत्री धाम में 1500 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, प्रतिदिन 3500 श्रद्धालु ही कर सकेंगे दर्शन। हेमकुंड साहिब में इस वक्त भी काफी बर्फ है। यहाँ सेना के जवानों ने बर्फ को हटाकर रास्ता बनाया है, लेकिन कई जगहों पर हिमखंड है।
हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष आगामी 25 मई को खुलने जा रहे हैं, जिसके चलते राज्य सरकार, जिला प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधन ने जमीनी हालात को देखते हुए प्रतिदिन श्रद्धालुओं के पहुंचने की सीमा तय की है। कपाट खुलने के बाद प्रतिदिन 3500 श्रद्धालु ही हेमकुंड साहिब जा सकेंगे। गुरुद्वारा प्रबंधन का कहना है कि हेमकुंड साहिब में अभी काफी बर्फ है, बर्फ पिघलने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या पर फिर विचार किया जाएगा। गोचर से बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए शुरू होगी हेली सेवा, इस दिन से मिलेगी सुविधा।